आज मेरे किचन में बन रहा है जिंगी पार्सल, तो उसके लिए चाहिए ये सब चीज़ें। सबसे पहले मैंने चीज़ रेडी करी हूँ ये डो, ये है पिज़्ज़े। मैंने आपको पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करी थी, तो उसमें डो कैसा बनाना है वो मैंने आपको बता दी थी, तो आप उसमें से चेक कर सकते हो। और ये मैंने यहाँ पर डो रेडी करके रखी हूँ, इसको मैंने 2 घंटा पहले ही डो बना के रख दी थी और ये अब रेडी है बनाने के लिए। तो इसको अभी मैं साइड में रखूँगी, तब तक उसके अंदर का जो रेडी करना है, जो इसके अंदर ऐड करना है वो मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें जो ली हूँ वो ये है, हाफ से कम मैंने अनियन ली हूँ और हाफ से कम मैंने टमाटर ले ली हूँ, और चीज़ है ये 1 स्लाइस चीज़ है, मोजरेला चीज़ है, आप इसकी जगह स्किप भी कर सकते हो, आप स्लाइस भी ले सकते हो। पनीर है, कॉर्न है, आपको जितना ऐड करना है ये ऐड कर सकते हो। और ये है शिमला मिर्च, मोइनीस, और 2 से 3 लहसुन है, ऑरेगानो है, ये बहुत ज़रूरी है, और टमाटो केचप। अब इसको रेडी करने के लिए, और यहाँ पे ऑयल है। अब इसको रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ले ली हूँ पैन, यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, इतना ही ऐड करना है, 2 से 3 4 5 बूंद है इसके अंदर, बस इतना ही ऐड करना है। और ये पैन मेरा गर्म हो चुका था, अब मैं इसको फास्ट कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं ये लहसुन ऐड कर दूँगी, लहसुन को अच्छे से ये पकने देना है, मतलब नॉर्मल थोड़ा सा पकने देना है, ज़्यादा नहीं। अब ये थोड़ा सा पक गया है, अब इसको मैं इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। अब मैं इसके अंदर ये अनियन ऐड कर दूँगी, अनियन हाफ से भी कम है, इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब इसको भी थोड़ा पका लेना है, और ऑयल जितना मैंने ऐड करी उतना ही आपको ऐड करना है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब इसके अंदर मैं टमाटो ऐड कर दूंगी, अब इसके अंदर मैं थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर भी डालूंगी, बस इतना ही। अब कॉर्न ऐड कर दूंगी, ये जो कॉर्न है वो बॉइल्ड है। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी, इस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है इसको, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ताकि जब उसमें फिल करेंगे तो वो बाहर ना आए। बड़ा बड़े साइज में आप काटोगे तो वो बाहर आएगा और टूटने का डर रहेगा। अब इसके अंदर मैं ऑरेगानो डालूंगी, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर मिक्स हर्ब्स होगा वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ मेरे पास ऑरेगानो है तो मैं ऑरेगानो ऐड कर रही हूँ, ये अच्छे से थोड़ा पक लेने देना है। फिर इसके अंदर ऐड करना है टमाटो केचप, टमाटो केचप ऐड कर दिया मैंने, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ऑरेगानो ऐड करने से खुशबू अच्छी आ रही, तो ऑरेगानो ऐड ज़रूर करना। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मोइनीस, और जो जैसे मैंने पिज्ज़े में डो बनाई थी वैसे ही पिज्ज़े डो रेडी करना है। वो 3 कप का था, ये 1 कप का है, तो यहाँ पे ये कम ही मैं बना रही हूँ। 3 कप का अगर आप बनाते हो तो अच्छा खासा बनेगा, तो आपको 3 कप का ही बनाए, यहाँ मैं 1 कप का ही बना रही हूँ। अब इसके अंदर अगर आपको चिकन ऐड करना है इसके पनीर के जगह कर सकते हो,
और जैसे मैंने पिज्ज़े का डो रेडी करी थी वैसे ही ये डो रेडी करना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पनीर, पनीर को अच्छा थोड़ी देर पकने देना है, इसमें पानी निकला है अभी, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें, एकदम थोड़ा सा सूखा सूखा रहना चाहिए ताकि इसको फील करना है ना, इस वजह से। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देना है। अभी डो के पास आ जाते हैं और ये डो एकदम रेडी है, देखो ये अच्छे से रेडी हो गया। अब ये देखो ऐसे ही रेडी होना है। अभी इसको मैं जितने पार्ट्स होते हैं इसमें जितने बनते हैं डो उतना मैं रेडी करके आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मेरे अभी जिंगी पार्सल जो है वो चार बनेंगे, एक कप में चार जिंगी पार्सल बनते हैं, तो तीन कप ले लें, उसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे इसको अच्छे से गोल गोल बेल लेना है। इसको गोल बेल लेना है। थोड़ा सा मैदा ले लेंगे इसको, मतलब सूखा मैदा ले लेके बेलना है। अब इससे क्या करना है, इस तरीके से इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में देना है और इसको थोड़ा बेल लेना है। इसको बेल लेना है। अब इसके अंदर फिल करना है ये जो पार मैंने रेडी करी हूँ पनीर का, वो फिल करना है इसके अंदर। थोड़ा सा मैं ये मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड करूँगी। मोज़रेला चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो पनीर का मैंने ये बैटर रेडी करी हूँ, वो इसमें ऐड कर देना है। अब इसको इस तरीके से पैक कर लेना है, ये इस तरीके से ये पैक कर लेना। इसके अंदर चीज़ भी ऐड करना है, ये जो मैंने स्लाइस कर रखी हूँ ना यहाँ पे, ये चीज़ भी ऐड करना है। अब इसको पैक कर लेना है, ये इस तरीके से सब रेडी करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब ये मेरा सब फिल करके हो गया है। यहाँ पे मैंने तीन ही इस पे रखे हो क्योंकि बेक होने के लिए इसको जगह चाहिए, और ये जो मेरा ये जो मेरा है वो थोड़ा छोटा है इस वजह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मिल्क लगा दूँगी ताकि जब बेक होगा तो इस पे कलर अच्छा आएगा, तो यहाँ मैं मिल्क लगा दूँगी। और इसको ऐसा बना के 20 मिनट्स रखना है। 20 मिनट्स रख के तब तक अपना ओवन भी प्री हीट हो जाएगा, तो ये भी रेडी हो जाएगा, फिर वो प्री हीट भी हो जाएगा। तो मैं आपको बाद अब उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ पर अभी 20 मिनट हो गया, मैं इसको फिर से मिल्क जो है ऊपर से लगा दूँगी, ऊपर से दूध लगा लेना है ताकि इसमें अच्छे कलर आ जाए। ये मेरा ओवन जो है प्री हीट हो गया, मैं इसके अंदर ये रख दूँगी। अब 200 डिग्री पे मैं 25 मिनट के लिए ऑन कर दूंगी स्टार्ट। अब ये हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरा अब सिंगल पार्सल जो है वो रेडी हो गया, जिंगी पार्सल जो है वो रेडी हो गया है। अब भी इसी तरीके से ट्राई करना और बताना मुझे कैसा बना है। बहुत अभी गर्म है तो इसको मैं छू नहीं सकती, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।